कंट्रोल। कमलेश जी, जो कुछ झारखंड में हो रहा है, एक आप सिंगल विधायक अपने पार्टी के, क्या रूप में देख रहे हैं? क्या आपसे भी किसी ने संपर्क किया इस विषय को लेकर के, प्रलोभन का हो या अपने तरफ से? ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। हम कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, ये मैटर सब कांग्रेस का है, उनके पदाधिकारी ही जवाब देंगे जी जी। और हम लोग का कोई इससे संबंध लेना देना नहीं है। झारखंड में जो कुछ गठित हो रहा है, झारखंड में जो भी गठित हो रही है वो आपके सामने है, और आप लोग खुद बुद्धिमान हैं, जानते हैं क्या हो रहा है, इसमें इसका निर्णय लेना आप लोग भी जानते हैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन विधानसभा जब चलता है तो इस तरीका से बाधित होगा कि ठीक नहीं है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी को भी जो भी निष्कासित किए हैं, स्कूल का जो हेडमास्टर रहता है, अगर बच्चा गलती करता है तो तुरंत उस पर एक्शन नहीं लेके उसको प्यार से समझाता है, जो निलंबन, इसलिए निलंबन मेरे ख्याल से समझा बुझा कर सभी को साथ लेकर विधानसभा चलता है। और हम लोग का भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि जो हेड रहता है, विधानसभा अध्यक्ष हेड हैं, उसको सब जो गलत कर रहे हैं उसको जो है प्यार से समझा कर भी काम होता है, इसलिए ठीक रहता। सब विधानसभा में रहते तो क्वेश्चन आंसर का जवाब भी पक्ष प्रतिपक्ष सही आता। बीजेपी ने आज अध्यक्ष के चैंबर से घेराव किया, उनके सदन चैंबर के बाहर धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? अब उस पर हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते, इसलिए कि वो बीजेपी पार्टी की बात है, क्या निर्णय हुआ होगा उनके आला नेताओं का, वो भी वही मुद्दा होगा कि जो सस्पेंड किए हैं तो इसको आप हाउस में आने का परमिशन दीजिए, यही मुद्दा हो सकता है। पिछले दिन आप हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग को लेकर पीसीबी गए थे, उस विषय पर कुछ बात? हम बराबर करते हैं, आज से नहीं, उस विषय। और हुसैनाबाद जो है ना, आपका जिला का सभी जो रूपरेखा कंप्लीट है। हम जब मिनिस्टर थे तो 3 प्रखंड बनाए थे, और आज 9 प्रखंड और 3-2 अनुमंडल लेके जिला का मैटर है, और वहाँ हमारा जो क्षेत्र है अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए उसको जिला का दर्जा देना चाहिए। आपका 5 प्रखंड में तो जिला है, कि 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से डाल्टेनगंज की दूरी 100 किलोमीटर है, कितना परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है आप खुद जाने, ठीक समझना है।